मेरठ में समाजवादी पार्टी से शहर विधायक रफीक अंसारी को कोर्ट ने फिलहाल 14 दिन यानी 5 जून 2024 तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 1995 से लंबित चले आ रहे मामले में कोर्ट में पेश न होने पर विधायक पर 100 से अधिक गैर जमानती वारंट जारी थे। इसके चलते हाईकोर्ट ने विधायक को अरेस्ट करने का आदेश दिया था। वहीं सपा विधायक और पूर्व में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे रफीक अंसारी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक ने चुनावी सभा में कहा था कि भाजपा की सरकार ने हिंदू गर्दी मचा रखी है। ये बयान सुर्खियों में रहा था। बता दें कि पुलिस सोमवार को विधायक को लखनऊ से लौटते वक्त बाराबंकी के पास से अरेस्ट करके देर शाम मेरठ आई। मेरठ में ACJM प्रथम MP MLA की कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने विधायक की बेल खारिज करते हुए फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं। कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा में? 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा। अच्छा, क्या ये नौचंडी का मामला है? धारा 436 और 147 का उसी मामले में हो। आपकी तरफ से क्या तर्क रखा गया और विपक्ष जो दूसरा वकील है उनकी तरफ से क्या तर्क रखा गया? मेरी तरफ से ये तर्क रखा गया कि मामला 28 साल से पेंडिंग रहा है, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है, उसके कंप्लायंस में इनको न्यायिक अभिरक्षा। जो हमने 307 जो है वो सिविल लाइन का था उसमें बेल मांगी थी, और एक नौचंडी से 436 का उसमें बेल मांगी थी, क्योंकि दोनों सेशन ट्रायल है जी, तो यहाँ से बेल रिजेक्ट हो गई। कल जो हम सेशन न्यायालय में लगाएंगे और वहाँ से जो डेट मिलेगी उस पर आर्गुमेंट करेंगे। कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें बेल रिजेक्ट हुई है? नहीं, 307 है वो भी सेशन ट्रायल है, वो सिविल लाइन की है, उसमें रिजेक्ट हुई है। 436 की थाना नौचंदी से वो रिजेक्ट हुई है, उसके लिए कल बेल लगाएंगे, परसों देंगे।